मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज वेदों के अमृत का स्वाद चखाएंगे। ऋग्वेद के पहले मंडल के 11वें सूक्त में वल नामक असुर के द्वारा यह बताया गया है कि निंदा सभी बुरे कर्मों का मूल है। निंदा करने वाले के स्वभाव में सभी दोष अपने आप आ जाते हैं और वह चोरी हिंसा अनीति आदि सभी बुरे कामों में प्रवृत्त हो जाता है और अंत में उसका नाश ही होता है। इस संबंध में कथा कही गई है। प्राचीन काल में वल नामक एक महान प्रतापी असुर था। वह दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि रखता था। वह असुरों में भी अधम माना जाता था। वह देवताओं और सत्पुरुषों में भी यही भाव रखता था। वह चोरी जैसे बुरे काम को करने लगा था। वह इंद्र आदि देवताओं की गौधन वैभव को देखकर बहुत दुखी रहता था और देवताओं को नीचा दिखाना चाहता था। प्रत्यक्ष युद्ध का साहस उसमें नहीं था। वैसे भी निंदक में आत्मविश्वास का सदा अभाव रहता है। वह सशंकित व भयभीत रहता था। उसने विचारा कि यदि देवों की मुख्य गौ संपदा चुरा लूं, तो देवों की सत्ता भी नहीं रहेगी। यह सोचकर उसने एक दिन देवलोक की सभी गायों का अपहरण करके एक पर्वत की गुफा में छिपा लिया। जब इंद्र को वलासुर के इस कुकृत्य का भान हुआ तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करके देव सेना सहित उस गुफा के सामने पहुंच गए। उनके आदेश पर देवसेना ने सभी गायों को गुफा से बाहर निकाल लिया। बाद में इंद्र ने वज्र से वलासुर का वध कर दिया। निंदा के कारण वलासुर बुरे कार्यों में लिप्त हुआ और अंत में मारा गया। इस वेद कथा का सार तत्व यह है कि बुद्धि जन को निंदा से सदा दूर रहना चाहिए और सदैव सुकार्यों को करना चाहिए। नई चर्चा और नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।